ये अहमदाबाद महात्मा गांधी जी का पवित्र स्थल है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस धरती में ही ऐसे एक विचारधारा के लोग पैदा हो गए हैं जो गांधी जी के विचारधारा को खत्म करने का सोच रहे। पानी लाओ भाई। इस धरती पे जो गांधी जी के आजादी के और स्वतंत्रता के लिए जो अपना सब कुछ दिए, उन्हीं के विचार को खत्म करने का सोचने वाले लोग बीजेपी के यहां है। उनकी विचारधारा वो खास करके आरएसएस की विचारधारा मोदी साहब, शाह साहब ये लेके फिर रहे हैं। कम से कम आप देश को अगर कुछ नहीं कर सकते तो गांधी जी के शांति मार्ग का पालन करो और सबको साथ लेके चलने का काम करो, लेकिन वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। उनका काम रोज उठते ही कांग्रेस को गालियां देना, सोनिया गांधी को गालियां देना, राहुल जी को गालियां देना, प्रियंका गांधी को गालियां देना। अगर और भी उनके पास कुछ गालियां बचे हैं तो मेरे को भी दे देते हैं कभी। ये मोदी जी इस रास्ते पे जाते हैं, जैसा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। कई के लिए, देश के लिए, देश के एकता के लिए। ऐसा कोई काम इस देश में शांति स्थापन करने के लिए मोदी जी ने किया है? मैं पूछता हूं, हर जगह जाते हैं तो अंगार लगाने की बात ही करते हैं, अंगार लगाने के सिवाय कुछ नहीं। मैं समझता हूं उन्होंने तो सिगरेट वो ये नहीं पीते, लेकिन माचिस जरूर रखते हैं समझता हूं, अपने जेब में हमेशा माचिस रखते समझता हूं। सिगरेट पगरेट बीड़ी गीड़ी पीने की आदत नहीं है, उनकी अच्छी आदत है, लेकिन यह अंगार लगाने की काड़ी की पेटी जो जेब में रखते हैं यह बहुत बुरी बात है।